मेरा डांस में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे ऑनलाइन शॉपिंग करने के नाम पर लाखों। आरोपी जो है वो गुजरात से ऑपरेट करता था। आरोपी मोस्ट ऑफ फीमेल्स को, लेडीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए शॉपिंग के साइट्स बनाए थे। इसने 11 साइट्स बनाए थे, साइट्स जो ऑनलाइन पोर्टल होता है। तो जैसे मतलब फेसबुक में इसका एडवर्टाइजमेंट होता था, फेसबुक के द्वारा कोई किसी को कपड़ा अच्छा लगता था, मतलब उसके डिज़ाइन अच्छे लगते थे, तो उसमें शॉपिंग साइट में अगर हम क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली शॉपिंग साइट में हमको रिडायरेक्ट किया जाता था। और वो शॉपिंग साइट जो थी वो टोटली फेक शॉपिंग साइट थी, मतलब ऐसा कोई बिजनेस था ही नहीं। लेकिन शॉपिंग साइट में जाने के बाद में जब परचेस हो जाता था, परचेस होने के बाद में जब पेमेंट होता था, वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट था, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं था। तो ऐसे उसने 22,000 लोगों को ठगा है। टोटल 70 लाख रुपीज़ का स्कैम है ये। उसने 70 लाख रुपया पब्लिक का पैसा है वो खा गया है। ये जो बंदा है, ये आशीष नाम का बंदा है, ये बैठा था गुजरात में और इसने अमेरिका से, लंदन से आईटी एजुकेशन कंप्लीट करके आया था। उसके बाद में उसके दिमाग में ऐसा है कि मतलब हर कोई ऑनलाइन परचेस करने में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो इसने ऑनलाइन स्कैम एक कर दिया। हमेशा हमारी ये राय है आपसे कि मतलब जब भी आप परचेस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांडेड जो प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब प्लेटफॉर्म से ही खरीदे। कोई भी ऐसे नए साइट से ना खरीदे जहाँ पे, और 99% ये कोशिश करें कि कैश ऑन डिलीवरी हो, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट करना आज की तारीख पे बहुत नुकसान है। ऐसे मतलब 11 साइट्स है, 11 साइट्स के मैं नाम बताता हूँ। whitestone.in, dollyfashion.in, फैब्रिक मैनिया, टेक सारीज, एश्योर कार्ट, रिपब्लिक सेल्स ऑफर, ऐसे इसने 11 साइट्स बनाए थे। वो 11 साइट्स में ये लोगों को ठग देता था, कपड़े बेचने के नाम पे या फिर हाउस होल्ड मटेरियल बेचने के नाम पे ये लोगों को ठग देता था। आज के लिए इतना ही। मैं करीम, लिमरा टाइम से, शुक्रिया।